हेलो गाइस, गुड इवनिंग, हार्टली वेलकम इन आवर लाइव क्लास। आप सब हमारे साथ जुड़े रहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। देखो गाइस, हमने बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे लाइव क्लास में आपके साथ में डिस्कस किए हैं, और आपके साथ मुझे और आपको जोड़ने में जो हमारे टेक्निकल टीम का बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है, इसलिए हम सब हमारे जो टेक्निकल टीम है उसके भी आभारी हैं। और आज हम देखो इस चीज़ को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे ये जो लैंग्वेज है इसको हम कैसे सीखे, यानी कि हाउ टू लर्न इंग्लिश। मित्रों, एक थोड़ा सा हम हमारे जो ओल्ड एज है या उनमें जाकर देखते हैं, जब इस धरती पर पहली बार मनुष्य आया होगा, उस मनुष्य के पास कोई लैंग्वेज थी क्या, कोई कल्चर थी क्या, उसके पास में कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जिससे वो अपने विचार को प्रकट कर पाए। लेकिन उसके पास एक चीज़ थी, देखो मित्रों, उसके पास क्या थी, साउंड थी। सबसे पहले उसके पास में साउंड आई, उसने साउंड से ही इस बात को सीखने की कोशिश की कि कैसे हम करें इस कैसे इस यानी कौन सा काम करना है या किस काम को कैसे करना है, सारी बातें उसका यानी कि कम्युनिकेशन कैसे था, साउंड था। अब साउंड से आगे बढ़ा हुआ और फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखा होगा, लेटर्स वर्ण पर आ गया, फिर लेटर्स से आगे बढ़कर उसने वर्ड बनाया, और वर्ड से आगे बढ़कर उसने फ्रेज बनाई, और फ्रेज से आगे बढ़कर क्लोज बनी, और क्लोज के बाद में सेंटेंस बना। अब देखो हमारे सामने जो लैंग्वेज सीखने के लिए जो प्रॉब्लम आती है, हम उसको कैसे सोल्व करें। एक छोटा बच्चा, एक इन्फेंट देखिए आप, इन्फेंट छोटा सा बच्चा होता है, वह किस प्रकार से लैंग्वेज सीखता है। सबसे पहले जब भी उसका बर्थ होता है, उसके बाद में वो बच्चा जब 2-4-6 महीने का होता है, तब क्या करता है वह, सबसे पहले साउंड उसके मुंह से निकलती है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में फिर उसके मुंह से वर्ण लिखना शुरू हो जाता है, जैसे माँ पा ऐसे बोलना कोशिश करता है वह, फिर कभी कभी मम्मी पापा बोल देता है, वर्ड उसके मुँह से निकल जाता है, फिर छोटा सा सेंटेंस का वाक्य कोई बोल देता है कि मुझे खाना पीना ऐसा बोल देता है, फिर कोई ना कोई क्लोज बोलता है, और क्लोज बोलने के बाद जब उसकी एज धीरे धीरे ज़्यादा बड़ा होता है, फिर वो सेंटेंस बोल देता है कि मुझे स्कूल जाना है या मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। तो यहाँ आकर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ से आकर हम एक्यूरेसी सीखते हैं, यानी हमारी जो लैंग्वेज है उसमें कोई सा भी एक, मैंने आपको सेंटेंस के साथ में डिस्कस करके इस बात को बताने की कोशिश की है कि सेंटेंस क्या होता है, अ मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस। तो वो क्या करता है कि एक सेंटेंस बोल देता है। अब सेंटेंस के बाद में हम क्या करते हैं, देखो उसको उसे उस बच्चे को हम किसी भी स्कूल में भेजते हैं, स्कूल जाता है वह, और वहाँ जो उसके जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस कोरे कागज को, यानी कि छोटा सा बच्चा जब पहली क्लास में या फर्स्ट क्लास में जब वो स्कूल जाता है, बिल्कुल कोरा होता है, कुछ उसके दिमाग में नहीं होता, वहाँ पर उसको क्या करते हैं, वह इस प्रोसेस यहाँ से शुरू करते हैं, और यहाँ से शुरू करते 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 इसको यहाँ ले आते हैं, और यहाँ पर आकर उसको पूरी ग्रामर सिखाते हैं। ग्रामर क्या करती है हमारी ग्रामर क्या करती हैं, हमें क्या सिखाती है बोलो, हमें ये सिखाती हैं कि एक्यूरेट करेक्ट सेंटेंस क्या होता है, ये चीज़ हमें सीखने को यहाँ से मिलेगी। आपको जो मैंने मेरी जो अभी सारी जो लाइव क्लास थी उनमें मैंने आपसे बात की कि वर्ब क्या होती हैं, क्या आपके एग्ज़ाम में वर्ब की डिफिनेशन आएगी क्या, नहीं आएगी, लेकिन आपके दिमाग में ये समझ होनी चाहिए कि मैं इस वर्ब से ही सेंटेंस को सही कैसे करूँ, इसको कंपोज कैसे करूँ। तो हमारे सामने जब भी हम लैंग्वेज सीखते हैं तो वहाँ पर दो प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, और हम सब जो काम कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का काम कर रहे हैं। हमारे पास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ओकेब की। ओकेब से देखो शब्दकोश आप अर्थ लेंगे, और एक होती है सेंटेंस मेकिंग, यानी हम वाक्य की रचना कैसे करें, ये हमारे सामने बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, हमारे पास में अच्छी ओकेब हो, सेंटेंस मेकिंग आती हो, तो हम जो हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सब क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे और हमारा काम चल गया। लेकिन देखो क्या होता है, हम किसी भी भाषा को बोलना सीखते हैं, हम जब भी भाषा को सीखते हैं तो उसके लिए हमें 4 प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। पहले तो हमें लिसनिंग करनी पड़ती है,
आपको सबसे पहले उसको लिसन करना पड़ेगा यानी लिसनिंग, फिर उसके बाद में होती है स्पीकिंग, और फिर उसके बाद में होती है रीडिंग, और फिर उसके बाद में होती है राइटिंग। तो इस प्रकार से देखो, राइटिंग वाला जो हमारा स्टेप है वो सबके लास्ट में है। सबसे पहले हम लिसन करेंगे, लैंग्वेज को अच्छी लैंग्वेज में सुननी होगी, कान से अंदर जाएगी, दिमाग में जाएगी, दिमाग से क्या करेगी, मुंह से बाहर निकलेगी, स्पीक होगा। अच्छी लैंग्वेज सुनने के बाद में हम स्पीकिंग कर पाएंगे अच्छी, और अच्छी स्पीकिंग होगी तो क्या होगी, अच्छी रीडिंग होगी, और रीडिंग के बाद में फिर राइटिंग आएगी। और राइटिंग हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो किस पर बेस होते हैं, सारे के सारे राइटिंग पर बेस होते हैं। हमसे कुछ लिखवाया जाता है, आपसे कहा जाता है कि आप क्लीन इंडिया मिशन पर एक पैराग्राफ लिखिए, क्लीन इंडिया मिशन पर पैराग्राफ लिखिए, तो क्या चाहता है वो, क्या चाहती है बोर्ड, जो हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने वाली एजेंसीज हैं वो क्या चाहती हैं कि आपके इनर थॉट्स किस मीडियम से, लैंग्वेज के यानी लैंग्वेज के माध्यम से उन तक पहुंचे कि आपके दिमाग में इनर थॉट्स कैसे हैं। नहीं तो उनको ऐसा उनका कोई पर्पज नहीं है कि आपको उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को रटवाया जा रहा हो, ऐसा नहीं है। आपके अंदर से वो ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, इन सब जो सारी राइटिंग के स्किल्स हैं इनको करवाकर ये चाहते हैं कि आपके अंदर कितनी राइटिंग स्किल हैं, आपकी क्या क्या अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पर क्या किस चीज़ को टेस्ट करें, सेंटेंस मेकिंग पावर कितना है आपका, इस बात को चेक करने के लिए हमारी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने वाली एजेंसीज हैं ये क्या करती हैं, आपसे क्या कहेगी, आप एक लेटर राइटिंग लिखिए। आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होती है, सब डिफिनेशन बताओ। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो बताओ, आप अभी तक आपने कभी दिए भी नहीं होंगे। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आपके सामने किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए दो प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, वोकैब और सेंटेंस मेकिंग। वोकैब देखो, वोकैब को हम कैसे सीखते हैं, पहले मैं यहाँ बात कर लेता हूँ, सेंटेंस मेकिंग हमारे पास में कैसी होनी चाहिए। सेंटेंस मेकिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी ग्रामर सीखनी पड़ेगी। अब ग्रामर सीखेंगे तो साहब वहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आएंगे, आप कहोगे कि हमारे काम नहीं आने वाले, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आएंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि इन नाउन के बिना आप वर्ब को कैसे लिखोगे, और वर्ब के बाद नहीं है, सही वर्ब का यूज करना नहीं जानते हम, तो सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा। अगर हमें इस बात का पता नहीं है कि यहाँ पर इस वर्ब की हमें सेकंड फॉर्म बढ़नी है, थर्ड बढ़नी है या फर्स्ट बढ़नी है, इस बात का हम पता नहीं है, तो करेक्ट सेंटेंस मेकिंग कैसे होगी। तो इन सब बातों के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ना पड़ेगा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो फ्रेज भी पढ़नी पड़ेगी, और फ्रेज अगर देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमने बात कर ली अगर, तो फ्रेज की भी हमें आवश्यकता होगी, और वहाँ अगर फ्रेज हमने पढ़ लिया तो फिर क्लोज, और क्लोज से हम सीधे सेंटेंस मेकिंग पर आ जाएंगे। अब देखो ये सारी चीज़ें हमें क्यों ज़रूरत हैं, क्योंकि हमें एक्यूरेट करेक्ट सेंटेंस मेकिंग सीखनी है, और आपने यदि करेक्ट सेंटेंस मेकिंग सीख ली तो आप अच्छी लैंग्वेज, कोई सी भी लैंग्वेज हो उस लैंग्वेज को आराम से सीख जाएंगे। देखो आप मुझे ये बताओ, एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी लैंग्वेज बोलता है, और एक पढ़ा लिखा भी लैंग्वेज बोलता है, दोनों की लैंग्वेज में डिफरेंस कहाँ से आता है। या तो उनके पढ़े लिखे व्यक्ति के पास में अच्छी वोकैब होती है, वह वर्ड्स का सही जगह पर सही यूज करना जानता है, और उसकी सेंटेंस मेकिंग की जो पावर है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए उन दोनों की लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। गाइज इस बात को आप समझे कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उस लैंग्वेज की सेंटेंस मेकिंग का जो पावर है वो टेक्निक सीखनी पड़ेगी, वो मैकेनिज्म सीखना पड़ेगा, और उस मैकेनिज्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी टीचर को हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा। और आप हमारे साथ देखो जुड़े रहते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन चलता रहता है कि सर सेंटेंस मेकिंग अच्छा सीख ले साहब, तो वहाँ इसके क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में किस प्रकार से आएंगे, आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है। अब सेंटेंस रीअरेंजमेंट को कैसे सीखोगे, जब आपको SVOCA नहीं आएगा, SVOCA अगर आपको नहीं आता तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज हमें सिखाती है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखो, और फिर एडवर्बियल लिखो। देखो हम सेंटेंस मेकिंग की बात कर रहे थे, और सेंटेंस मेकिंग जब भी हमें करनी हो तो हमें सारे हमारे जो लैंग्वेज की जो टेक्निक है उस टेक्निक को के मेकेनिज्म को समझना पड़ेगा, और उसे समझने के लिए हमें सारी बातें सीखनी पड़ेगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं,
फ्रेज क्या होती हैं, क्लोज क्या होती है, एस वी ओ सी एस सेंटेंस के पैटर्न क्या होता है, फ्रेज एनालिसिस करना पड़ेगा, तो उस उनके अनुसार हमें वर्ब का यूज करना पड़ता है। अगर फ्रेज हमारी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आई है और हम ये नहीं समझ पाए कि इस फ्रेज का हेड वर्ड कौन सा है, किसके अनुसार वर्ब आनी है, तो हमारी वर्ब भी गलत हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आप इनको ऐसा नहीं समझे कि हमारे सिलेबस से बाहर हैं, और हमें अच्छी लैंग्वेज सीखने के लिए लिसनिंग वाले स्टेप से शुरू करेंगे, स्पीकिंग पर बढ़ेंगे और रीडिंग करेंगे, और रीडिंग के बाद में हम राइटिंग करेंगे। देखो अब सेंटेंस मैकेनिज्म के लिए या सेंटेंस मेकिंग के लिए आपको ग्रामर सीखनी होगी। अब हम ओकेप के लिए साहब क्या करें, हम आपकी लैंग्वेज में आ रही उन दो मेजर प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे, अब ओकेप के लिए हम क्या करें। आपने सुना होगा जो हमारे हमारे फैमिली में ओल्ड पर्सन्स हैं वो हमसे कहते हैं, या हमारे कोई जो एल्डर्स हैं वो हमसे कहते हैं कि आप ओकेप के लिए न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है साहब, आपने द हिंदू निकाल ली और वहाँ पढ़ने लग गए, तो आपसे वहाँ अगर कोई सेंटेंस आपको पढ़ने को मिला उसमें लिखा हुआ था द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी विजिट्स इन जयपुर टुमारो, बताइए आपसे अगर वहाँ ये चीज़ वहाँ पर आपके लिए लागू हुई कि नाउन कौन सा है। आपको समझना पड़ा कि नाउन कौन सा है, यहाँ पर वर्ब कौन सी, क्या आपने इस तरह से सोचा कभी, तो बताइए आपको यहाँ पर हमारी ग्रामर काम नहीं करती ओकेप के लिए। ओकेप के लिए देखो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, आपने किसी वर्ड को, मैं आपके सामने टू वर्ड्स लिखकर इस बात को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो एक हमारे पास में देखो अभी कोरोना चल रहा है एपिडेमिक, और एक होता है पेनेडेमिक। इन दो वर्ड्स की बात करता हूं, आप बताइए आप कोरोना इज एपिडेमिक या कोरोना इज पेनेडेमिक। हमें देखो इन दोनों वर्ड्स को सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि डेमिक क्या होता है। देखो हमारी लैंग्वेज में एक यूनिट होती है लैंग्वेज की, मोर्फोलॉजी, और मोर्फोलॉजी हमें क्या करती है, ये सिखाती है कि वर्ड फॉर्मिंग कैसे होती है, यानी एक वर्ड का निर्माण होता कैसा है। आपने देखो कभी सुना होगा जैसे हमने यहाँ पर फ्रेंड वर्ड लिखा और इसके आगे उन्होंने बी फ्रेंड लिख दिया साहब, तो फ्रेंड के आगे बी फ्रेंड लिख दिया उन अंग्रेज़ों की मर्जी या अंग्रेजी बोलने वालों की मर्जी जिन्होंने लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं है। इसका सब कुछ चीज़ ये बी क्यों जुड़ा यहाँ पर, इस चीज़ को हमें कौन सिखाती हैं, मोर्फोलॉजी सिखाती हैं। और मोर्फोलॉजी में ये चीज़ हम सीखते हैं कि किसी के आगे कुछ जोड़ने से या कुछ हटाने से या पीछे जोड़ने से उस वर्ड की मीनिंग में कितना चेंज होता है, ये सारी की सारी बातें हमें कौन सिखाता है, मोर्फोलॉजी, जहाँ पर हमें वर्ड फॉर्मिंग सीखनी होती है, यानी एक शब्द की रचना कैसे बन, एक शब्द की रचना कैसे होती है, उस शब्द का स्ट्रक्चर कैसे होता है। गाइज इसके लिए हमें कोई सा भी वर्ड हो उस वर्ड के रूट वर्ड पर जाना होगा। देखो यहाँ पर डेमिक दोनों में कॉमन है, अब दोनों में कॉमन है डेमिक। अब हमें समझना है, देखो सुनो, डेमिक का अर्थ बीमारी हो गया साहब, और एपी का मतलब देखो इस प्रकार से होती है, एपी आप जानते हो इसका मीनिंग ये होता है, और पेन का मतलब होता है ऑल, यानी ऐसी बीमारी जो सर्किल में फैलती हो, जैसे एक जगह फैली वन सर में फैली कोरोना और सब जगह फैली, ऐसा नहीं है, ऐसा सर्किल में नहीं फैली, यहां से ऐसे गई, क्योंकि यहाँ के जो विजिटर्स थे वो अगर अपने उस प्लेस से बाहर गए और उन्होंने जाकर किसी दूसरे आदमी को संक्रमित कर दिया, तो उससे क्या हुआ, इस एपी की तरह थोड़ी फैली है कोरोना फैली है सब जगह, यानी पेनेडेमिक। तो इसलिए क्या है, देखो हमें इस रूट वर्ड पर जाना होगा, डेमिक क्या होती है और इनके आगे जो प्रपिक्स लगे हैं इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, उस मीनिंग पर इस पूरे वर्ड का मीनिंग डिपेंड करता है। अब आप समझ गए होंगे, देखो पेन का मतलब ऑल, डेमिक यानी महामारी, और एपी का मतलब ये वाला सर्किल, और डेमिक का मतलब बीमारी। तो इसका मतलब ये हुआ, यानी ऐसी बीमारी जो एक जगह से सेंट्रल में सर्किल में फैलती हो। अब आप खुद बताओ, इन अगर हमें कोई सेंटेंस लिखना है और ये लिख दिया साहब भाई कोरोना इज एपिडेमिक, मैं इसको इधर लिखता हूँ आपको नज़र नहीं आएगा, कोरोना इज अ एपिडेमिक। अब आपने देखो सुनो, ये जो आपके सामने वर्ड आया
ये वर्ड, इस वर्ड से क्या ये सेंटेंस सही हो गया? आप खुद सोचो, ये सेंटेंस सही नहीं हुआ, क्योंकि हमने क्या है, इस चीज को समझा है कि इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। और ये चीज हमें कहां सीखने को मिलेगी? मोर्फोलॉजी मिलेगी, वर्ड फॉर्मिंग जो हमारा पावर है वहां पर हमें इस बात को सीखना जरूर होगा और किस प्रकार से वर्ड फॉर्मिंग होती है। आप एक चीज समझोगे, देखो मैं एक छोटे से वर्ड से बात करता हूं, लुक का अर्थ क्या होता है देखो आप सब जानते हो, मैं इनको इरेज कर देता हूं, आप किस बात को समझ रहे होंगे शायद। देखो लुक का अर्थ क्या होता है, लुक का अर्थ होता है देखो देखना, और सी का अर्थ क्या होता है भाई, सी एन ए भी देखना, और वॉच का अर्थ क्या होता है साहब, वॉच एन ए भी देखना, और व्यू का अर्थ क्या होता है साहब, व्यू का अर्थ भी देखना, और ऑब्जर्व का अर्थ क्या होता है, ऑब्जर्व का निरीक्षण के लिए देखना। और इतने सारे देखना है हमारे पास में, लुक भी है, सी भी है, वॉच भी है, अब इन सबको तो आप जानते हो, व्यू मैंने लिखा भी बताया, ऑब्जर्व है उसको छोड़ देते हैं मान लीजिए, लेकिन ये चार तो आप जानते हो। हिंदी में इन सबका मीनिंग केवल एक वर्ड है, लेकिन अंग्रेजी में चार हैं। बताओ आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या इन चार में कुछ डिफरेंस होना चाहिए? इनमें डिफरेंस है और डिफरेंस होना भी चाहिए, नहीं तो आपको एक ही वर्ड से काम चल जाता। इन सबका मीनिंग में अंतर है, तो हमें इनका देखो कैसे पढ़ पाएंगे, हम इस चीज को कैसे सीखेंगे, हम ओकेब में सीखेंगे। और ओकेब में क्या करेगा बताएगी कि कहां पर किस मीनिंग का अर्थ होता है, इनके सिनोनिम्स क्या होते हैं, इनको एंटोनिम्स क्या होते हैं, इनके वन वर्ड क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हमें ओकेब के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपकी ओकेब अच्छी है और आप सेंटेंस मेकिंग के मैकेनिज्म को समझते हैं, तो अच्छी अंग्रेजी सीखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अच्छी लैंग्वेज सीखने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको ये दोनों चीजें समझनी है। और ओकेब की वीडियो को सुनो, किस प्रकार से फॉर्मिंग होती है, या तो हमें क्या करना पड़ता है, कोई सा भी वर्ड हो उसका रूट वर्ड देखना पड़ता है। अगर आपने रूट वर्ड समझ लिया और उसके आगे क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा उसके मीनिंग को समझ लिया, तो आपकी ओकेबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब गाइज, हम लैंग्वेज के इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे थे और आपके साथ मैंने इस बात की चर्चा की है कि किस प्रकार से हमारी अंग्रेजी को हम अच्छा बना सकते हैं। हमारे सामने जो टू मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी हमने बात की कि हमारे सामने दो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं ओकेब और सेंटेंस मेकिंग की। आपने अगर करेक्ट सेंटेंस मेकिंग सीख ली तो कोई सी भी लैंग्वेज को आप अच्छी तरह से सीख सकते हो। अब सेंटेंस मेकिंग के लिए हमारे सामने प्रॉब्लम आती हैं, उसका सॉल्यूशन हम कैसे करें? देखो मैंने आपको एक बात बताई कि हमें इस चीज़ को एक सेंटेंस से समझते हैं। देखो मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे मैंने एक बात बताई कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। आपके लिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर। अब देखो इस सेंटेंस में हमें इस बात को समझना होगा कि हमारी वर्ब कहाँ है, तो वर्ब बताइए, वर्ब क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या है वर्ब? देखो वर्ब पर गए हम, सीधे वर्ब हैं। अब देखो ये बात अलग है कि हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, और दूसरी कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। मैं आपको आज वाली जो लाइव क्लास है उसके ठीक बाद में हमारे वर्ब की कैटेगरी के बाद में बात करूंगा कि कौन कौन सी, किस तरह से हम किसको कैटेगराइज कर सकते हैं उनकी बात करेंगे। लिंकिंग वर्ब कौन सी होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, इंट्रांजिटिव कौन सी है, कोजिटिव वर्ब कौन सी होती है, सारी वर्ब्स की टाइप्स की बात करेंगे। ये बीच में मेरी क्लास आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, यानी ये क्लास केवल आपको जनरेट करने के लिए है कि हम इंग्लिश को किस तरह से सीखें। आपके दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रहे थे, उन कन्फ्यूजन को रिमूव करने के लिए है कि किस प्रकार से हम इंग्लिश को बेटर कर पाएंगे। अब देखो ये हमारी वर्ब है, वर्ब से आगे आपको पता है कि अभी मैंने बात की थी एस वी ओ सी ए, इसकी बात की थी, तो इसके आगे कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा। आपको आप कन्फ्यूज हुए होंगे कि क्या कोई वर्ब भी यानी वी वन प्लस आई एन जी भी कभी कभी सब्जेक्ट बन सकती है क्या? देखो ये भी सब्जेक्ट बन सकती है, इस टॉपिक को हमने जाना, हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। वी वन प्लस आई एन जी किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकती हैं, तब हम इसको हमारे ग्रामेटिकल जो टर्मोलॉजी है उसमें क्या नाम देंगे, जरेंड का नाम देंगे। इस बात को आप समझ गए।
तो मेरे कहने का अर्थ ये, देखो इस तरह से हम सेंटेंस को करेक्ट मेकिंग सीखेंगे। अगर आपके सामने आपने इस बात को सीखा है कि यहाँ अगर वॉकिंग की जगह पर टू वॉक होता तब भी क्या होता, ये सेंटेंस सही हो जाता। बताओ क्यों? क्योंकि हमने इस बात को समझा है कि टू इन्फिनिटिव भी वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन ये स्पीकर और राइटर के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा यहाँ पर, और मैं सीधी बात करता हूँ। देखो वर्ब की बात की मैंने, यहाँ पर इस सेंटेंस में वर्ब आई। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सेंटेंस में, और इस सेंटेंस को मैं दूसरे जो इसके वर्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको आपको समझाने के लिए मैंने लिखा, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। बताइए देखो यहाँ क्या हुआ, ये गुड क्या है? अब बताओ गुड क्या होता है? अब ये हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव है। अब देखो एडजेक्टिव है, मुझे कैसे पता लगा? आपसे मैंने बात की है कि बी वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, ये बी वर्ब है। बी वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है, और कॉम्प्लीमेंट किसका काम करता है? बी वर्ब के बाद में आने वाला कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी इसका एडजेक्टिव होता है, और कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव का काम करता है। फोर क्या है हमारे पास में? प्री पोजिशन है। फोर हमारे पास में प्री पोजिशन है, और प्री पोजिशन क्या करती है? किसी वर्ड का या किसी नाउन या प्रोनाउन का उसके दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताती हैं। अब यहाँ साहब ये हमारी प्रीपोजिशन हुई, हेल्थ क्या हुआ? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन भी ऑब्जेक्ट रखती हैं। इन सारी बातों को हमने सीखा, और इस तरह से हम करेक्ट सेंटेंस मेकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हम एक और सेंटेंस लिखकर मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूँ। अब ये जो तीन चीज़ें हमारे पास में इस सेंटेंस में निकल कर आई, प्रीपोजिशन, हेल्थ, नाउन है, कौन सा नाउन हुआ हम इस बारे में नहीं अभी बात नहीं करेंगे, कौन सा नाउन हुआ इसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखो आपने समझा होगा कि वर्ब आती है, एडजेक्टिव आता है, प्रीपोजिशन आती है, हेल्थ आती है, ये सारी बातें, नाउन आती, सॉरी यहाँ हेल्थ, मैंने हेल्थ वर्ड गलत लिख दिया, नाउन है। तो ये सारे सेंटेंस में आए। मेरे कहने का अर्थ सीधी सी बात है, जैसे हमारे पास में इसके 8 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। अब उन पार्ट्स में से हो सकता है कि उन पार्ट्स में से केवल एक ही पार्ट आए, यानी कि वर्ब आए, उससे एक सेंटेंस बन जाए। जैसे फायर, किसी ने, हमारा जो कमांडर है उसने कहा कि फायर, इसका अर्थ समझ गए, एक ही वर्ड का सेंटेंस है, गोली चला दो या गोली चलाओ। तो इस तरह से इन 8 पार्ट्स में से अगर कोई एक पार्ट्स भी आ गया तब भी सेंटेंस बन जाएगा, और वो कौन सा पार्ट है? वर्ब। लेकिन ये जो सारे दूसरे पार्ट्स हैं इसके, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो दूसरे जो एलिमेंट्स हैं, ये सेगमेंट्स हैं, ये क्या है? ये हर सेंटेंस में सभी आना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इस बात को हम नोट करेंगे, केवल सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास में एक ही इसका मैंडेटरी एलिमेंट्स है, वो है वर्ब। तो कोई सा भी सेंटेंस हो, अब आप बताइए कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है? आप कहोगे कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी जरूरत होती है। तो क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे सिलेबस में नहीं है? क्या हमें इस चीज़ को नहीं समझना कि आपको, यहाँ पर सुनिए, देखो हमें इस चीज़ को नहीं समझना कि जैसे दे लिव ऑन कोटा, आपके सामने ये सेंटेंस लिख दिया और आपसे कहा जाए कि इसमें एरर को फाइंड आउट कीजिए और उसका करेक्शन कीजिए, तो क्या ये हमें ये चीज़ नहीं फटनी? क्या ऑन नहीं फटना क्या? और ऑन क्या है? हमारी प्री पोजिशन है, तो ये भी तो हमें पढ़ना होगा। यहाँ पर ऑन गलत है तो इसको नहीं पढ़ना क्या? तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होगी, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने होंगे अच्छी लैंग्वेज सीखने के लिए, और उनका यूज भी सीखना होगा सेंटेंस मेकिंग के लिए। आपका सेंटेंस मेकिंग का पावर अगर बढ़ गया तो आप अच्छी अंग्रेजी सीख जाओगे, ये हमारी गारंटी है, और कोई सी भी कंपोजिशन कर दोगे। अब देखो आप कहोगे कि सर हमारे लिए सारी चीज़ें पढ़नी जरूरी क्या? एक और चीज़ लिखता हूँ, देखो मैं आपके सामने, द मान लीजिए इस तरह से कोई सेंटेंस लिखा गया है,
द हेल्थ ऑफ द बॉयज इज और या आर फिर डोडोट डिक्रीजिंग नावडेज. अब यहां हमें इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है. अब आप समझो कि यहां पर हम इसके अनुसार वर्ब क्या करते हैं, हम बगल वाले जो उसके पास वाली नाउन उसको देख लें वर्ब को भरने के लिए. तो इन दोनों में से कौन सी वर्ब आएगी, क्या इसे देखोगे या इसे देखोगे, और इसे देखोगे तो ये चीज आपको किस चीज ने सीखा. लेकर आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं. देखो द हेल्थ ऑफ द बॉयज इज और आर में से एक वर्ब आए और यहां पर कौन सा करेक्ट होगा ये चीज हमें कौन बताएगा. देखो ये नहीं बताएगा और ये बताएगा. ये क्यों बताएगा, क्योंकि ये जो हमारे सेंटेंस के रूप में यहां पर जो फ्रेज आई है इस फ्रेज का हेड वर्ड कौन सा है उसके अनुसार वर्ब आएगी. तो देखो आपको ये चीज सीखनी होगी कि किसी भी हेड वर्ड के बाद में यदि ऑफ प्लस वर्ड्स लिखे हुए हैं तो उनको नहीं देखना, उसके आगे देखना है. यहां देखो हमें ये चीज बता रही है सिंगुलर है तो यहां पर हमें क्या आनी चाहिए, यहां पर ई जाना चाहिए. तो क्या हमारे लिए फ्रेज एनालिसिस जरूरी नहीं है, आप बताओ. आप इन सारी चीज, ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है. आज की जो लाइव क्लास है आपको जनरेट करने के लिए है कि इंग्लिश को किस प्रकार से हम सीखे, किस प्रकार से लर्न करें और किस प्रकार से हमारी अंग्रेजी पढ़ने पर हमारी अंग्रेजी अच्छी हो. इन सारी बातों पर हमें पूरा फोकस करना है. देखो आपको एक और सेंटेंस लिखकर मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि प्रोनाउन या उनके टाइप्स कितनी जरूरी है. आपसे कहा जाए कि एवरीवन, यहां पर आपसे कहा जाए कि इन दोनों में से कौन सी वर्ब है वो सही होगी. एवरीवन नोज हिम. अब बताओ आप ये सब्जेक्ट हुआ, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है. अब कौन सी करेक्ट है इसका पता हमें सब्जेक्ट के अनुसार लगे. अब सब्जेक्ट के नंबर कौन से हैं, अब पहले तो देखो सब्जेक्ट का नंबर कौन सा है. आपको सर ये तो सिंगुलर है, क्यों है सिंगुलर, क्योंकि ये इनडिफिनिट प्रोनाउन है और इनडिफिनिट प्रोनाउन हमेशा के लिए कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं. तो यहां कौन सी वर्ब आएगी, यहां पर नोज, यानी कि वी वन में एस ई एस प्लस करेंगे. ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस हुआ. यहां पर हमें ये बात जानने को मिली है कि किस प्रकार से सब्जेक्ट के नंबर वर्ब पर प्रभाव डालते हैं या उसको अफेक्ट करते हैं, ये चीज हमने सीखी. देखो यहां ये कौन सा प्रोनाउन है तो इस प्रोनाउन को जानना जरूरी है. जैसे आपसे कहा जाए कि दिस हाउस इज माय, अब इसमें कहां गलती है तो इस चीज को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि यहां पर ये गलती है. ये पसेसिव एडजेक्टिव है यानी कि प्रोनाउन की पसेसिव एडजेक्टिव. देखो दिस हाउस इज माय, ये सेंटेंस में आपसे कहा जाए कि इसमें करेक्शन बताइए, ये घर मेरा है ये हम कहना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, तो यहाँ क्या होगा. देखो माय आया हुआ है, ये पसेसिव एडजेक्टिव है और पसेसिव एडजेक्टिव क्या करता है, अपने साथ में कोई ना कोई नाउन लेता है. तो क्या हमें पर्सनल प्रोनाउन के जो केस होते हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं, वो भी हमें पढ़ने होंगे. इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, स्पेशली कोई भी जैसे आरबीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में आते हैं. आप इनको ध्यान से देखें. आज का जो हमारा जो लाइव क्लास है, ये लाइव क्लास केवल आपको जनरेट करने के लिए है. आप जनरेट होइए कि किस तरह से इंग्लिश को सीखना है. आपसे हर टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा और उन टॉपिक वाइज टॉपिक आपको सारी चीज़ें समझाई जाएगी. आज यहाँ तक कि हम क्लास को कंटिन्यू रख पाएंगे और आपके लिए मॉर्निंग सेशन में भी हम जल्दी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं. आज की क्लास के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेस्ट का लिंक होगा, उस लिंक को खोलेंगे और खोलने पर आपको वहाँ पर टेस्ट एक्सरसाइज के रूप में अभी तक हमने जितना पढ़ा उन सब के बारे में एक टेस्ट होगा, उसे आप ज़रूर अटेम्प्ट करें और उस चीज़ का मैसेज हमें शीघ्र मिल जाता है, यानी जल्दी ही मिल जाता है और हम उस पर हमारी टेक्निकल टीम है वह काम करती है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के ये टॉपिक क्लियर हुए और किन के नहीं हुए. आपके मॉर्निंग सेशन में हम जल्दी ही
आपके लिए लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, वहाँ पर हम या तो कंपोजिशन या आपकी टेक्स्ट बुक्स को लेकर आपके साथ में चर्चा करेंगे। थैंक्स, आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमारी लाइव क्लास को पूरी देखें, और ये जो हमने जो एक ये कोशिश की है, इस कोशिश के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ में इस बात को बताएं, और सब मिलकर हम एक अच्छी मुहिम खड़ी कर पाए जिसके माध्यम से हम अच्छी लैंग्वेज सीख पाए।